हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडरन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है। देखिए, लूप बेसिकली क्या होता है, जब आपको एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करवाना होता है तो उस केस में आप लूप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको 2 नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है या 3 नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है या फिर और ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करवाना है, तो उस केस में आप लूप कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो लूप बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो हम 1 by 1 रीड करेंगे। तो पहला है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, फॉर कीवर्ड आप दो, उसके बाद यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन करना है, यहाँ पे बेसिकली आपको एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। फिर आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करवाना होता है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं कि कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट देना होता है और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं, तो स्टेटमेंट में बेसिकली आप प्रिंट वगैरह करते हो और फाइनली यहाँ पे क्लोज कर देना होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोलाइज किया, इसको हम दे देते हैं 4.cpp। यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे मेन मेथड देना है, तो इंट मेन किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो इंट आई कर लिया। अब यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो फोर आई इक्वल टू 0, आई को हम 0 असाइन किए हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10। हमने कंडीशन चेक करवाया कि हमारा लूप तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए, और यहां पे आई प्लस प्लस, और यहां पे जब तक कंडीशन चेक होता रहेगा आई की वैल्यू प्रिंट होता रहेगा, बस यही करना था। यहां पे ENDL भी दे देते हैं, इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो देखिए आपको यहाँ 0 से 10 तक प्रिंट हो गया। लूप कैसे चला होगा, स्टार्टिंग वैल्यू आपने 0 दिया, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करवाया 0 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इसको ट्रू मिला तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहाँ आपने पोस्ट इंक्रीमेंट कर रखा है, तो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई। अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे फिर प्रिंट हो गई, ये रिपीट होता चला गया। और जब आई की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। जब आई की वैल्यू 11 हो गई होगी, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ होगा, इसलिए वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ और हम लूप के बाहर आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आई की वैल्यू 11 हुई होगी कि नहीं, तो आई की वैल्यू 11 सच में हुई होगी तभी वो लूप के बाहर आया होगा। तो आई की वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पे आप सी आउट पे फिर से आई को प्रिंट करवा सकते हो, तो आई किया और यहां पे ENDL किया, सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए 10 तक आपको वही प्रिंट हुआ है और लास्ट में यहां पे 11 प्रिंट हुआ है, जो कि हमने यहां पे प्रिंट करवा रखा है। तो यानी कि जब आई की वैल्यू 11 हुई होगी तभी कंडीशन फॉल्स हुआ और हम लूप के बाहर आ गए। तो इस तरह आप फॉर लूप यूज करते हो। अब यहाँ पे 2 नंबर का भी टेबल आप प्रिंट करवा सकते थे, तो उस केस में यहाँ पे 2 कर दिया, आई का वैल्यू 20 तक जाएगा और यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हम करवाते हैं, तो आई प्लस इक्वल टू 2। ये मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे करते हैं। सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो देखिए यहाँ पे 2 का टेबल 20 तक प्रिंट हुआ। जब यहाँ पे 2 और इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 22 हो गया, 22 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स हुआ, तभी वो लूप के बाहर आया और यहाँ पे 22 प्रिंट हो गया। सेम आप 3 का भी प्रिंट करवा सकते हो, तो यहाँ पे 3 कर दिया, 3 10 30 और यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट होगा। सेव किया, इसको यहाँ से क्लोज कर लेते, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए 3 का टेबल 30 तक प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप फॉर लूप यूज करते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।